हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ आवर मॉरीशस सीरीज। तो व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं हमारी अगली होटल में मॉरीशस में, जिसका नाम है द इंटरकॉन्टिनेंटल। ये है बालाक्लावा करके एक जगह पे, और अभी हम इस होटल की लॉबी में खड़े हुए हैं और चेक इन कर रहे हैं शाम के लगभग 5:15 बजे। हम लेट ही हो गए हैं आज, कब से निकले हम सोफिटेल होटल से। चमारल गए थे जैसे आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, और चमारल से अभी हम आए हैं आराम से धीरे धीरे करते हुए। मैगडी में खाना खाया, ये वो तो बहुत दूर है लगता है, पर 67 किलोमीटर भी दूर लग रहा था। तो अभी हम आ चुके हैं और आपको व्यू दिखाते हैं। सो सी दिस ब्यूटीफुल लॉबी, ये इंटरकॉन्टिनेंटल की लॉबी है, और ये है इंटरकॉन्टिनेंटल का वो व्यू लॉबी से। सामने हो रहा है सनसेट, ब्यूटीफुल। यहाँ पर है स्विमिंग पूल, जो कि आप देख सकते हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, दिस इज स्विमिंग पूल, और वहाँ पे देखिए आप पूरा बीच का। यहाँ पे एकदम प्रॉपर बीच जैसा एकदम नहीं है, बट यू कैन सी हाउ पीपल आर एंजॉइंग हियर, एंड दिस इज द व्यू पूरा, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे लोग बैठ के आराम से मस्ती कर रहे हैं। सो आपको और बताएंगे हम आगे। दिस इज़ द बार सेक्शन, बहुत बड़ा होटल है ये भी, 5-स्टार लग्जरी प्रॉपर्टी है और इंडियंस के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैक्सिमम इंडियंस स्टे करते हैं इसी प्रॉपर्टी में। आप देखिए क्या व्यू है। बहुत बड़ी लॉबी है, देखें आप, और सामने इसका व्यू देखें सनसेट का। आ जाएगा ना, और ये है इसके बाहर का एरिया देखिए। तो आइए हम चलते हैं। तो अभी हम हमारे रूम पे जा रहे हैं, चेक इन हो चुका है स्मूथली। बहुत बड़ा होटल है ये, हम लेट हो गए इसलिए हमें थोड़ा बहुत। तो फटाफट से रूम पे जाके हम है ना वापस सनसेट देखने आ जाते। सो व्यूअर्स, हम लोगों को रूम मिल चुका है, रूम नंबर है 1924, ये देखिए, और बहुत ही शानदार रूम मिला है ये। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एंट्रेंस। आरती, हाउ इज दिस ब्यूटीफुल रूम? सबसे पहले तो आप वॉशरूम देखिए। ओहो वाओ, सेपरेट है दोनों, लेट और बाथ दोनों सेपरेट हैं। शानदार, और किंग साइज बाथ टब विथ ऑल द एमेनिटीज। और अब आप ये देखिए, ये है आपके लॉकर और कपड़े रखने के लिए लॉन्ड्री बैग्स और सब, यहाँ पे बैग आ सकते हैं आपका। ये देखिए बाथरूम और चप्पल्स। ये एक टेबल है के साथ कुर्सी का एक्सटेंशन। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए 2 स्टेप उतर के हमारा रूम है, ये हमारा बेड है देखिए अब। ओए, और सबसे खराब अच्छी बात ये देखें आप, वेलकम विनीत कुमार पांचल, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल आइलैंड एंड वेलकम टू इंटरकॉन्टिनेंटल मॉरीशस रिजॉर्ट। सो बहुत अच्छा लगा, ये एक तरह का बहुत अच्छा स्वागत किया है हमारा। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे गए हैं, वहाँ पे वाटर बॉटल्स हैं, ग्लास में मतलब पानी रखा गया है। और आप ये देखिए सीन देखिए। अगर अब मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बता दूँ आरती, हैं ये तो एक सोफ़ा है, यहाँ पे एक सोफ़ा दिया गया है देखिए। और अब देखिए, अगर आप इस बेड पे सोओगे तो आपको अब यह व्यू आएगा, और वो व्यू है हमारा बालकनी व्यू, और बालकनी से अब आप व्यू देखिए। सो ये है इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का सेकंड स्विमिंग पूल, और अब आप देखिए हम बालकनी में बैठ के पूरे इस स्विमिंग पूल का मज़ा ले सकते हैं। और ये बहुत लंबा है, आगे तक होटल जा रहा है, तो पूरा हम आगे तक जा सकते हैं। सनसेट यहाँ हो रहा है इस तरफ, इस पेड़ के पीछे। बहुत सारे पेड़ है तो दिख नहीं रहा है, बट देखिए आप क्या मज़ा आ रहा है, एकदम लुत्फ लेने लायक। होए होए होए, तो मस्त ये है रूम। तो आइए चलते हैं हम
शानदार वाला स्वागत के साथ जबरदस्त मजेदार फटाफट से 2 मिनट में चेंज करके, और हमें मिला है ये वाला रूम जो वो दिख रहा है आपको, वो सेकंड पे यहाँ ये वाला, तो ये रूम मिला है हमें। और क्या ऊपर तो स्वीट है, और यहाँ देखिए आप, ओए होए होए वल्ला, ये छोटा स्विमिंग पूल बेस्ट है हम लोगों के लिए, क्योंकि मेन स्विमिंग पूल वहाँ है तो आधी जनता वहाँ जा रही है। और ये थोड़े लग्जरी कैटेगरी वाले रूम्स हैं ये पूरे, ये जितने भी दिख रहे हैं और भी कैटेगरी के रूम्स हैं जो आगे की तरफ है, तो ये हमारी कैटेगरी वाले रूम्स के लिए बहुत अच्छा सा है ना स्विमिंग पूल का एरिया रखा। और ये देखिए आप, जन्नत जहां वल्ला वल्ला, ये देखिए खूबसूरत। हम इतना लेट हो गए आज, हमको अभी बहुत वो हो रहा है, और लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे तो अलग ही लेवल का, वो देखिए वहाँ पे एक हाउस है उसके ऊपर भी जाके फोटो खिंचा सकता है आदमी। और यहाँ पे देखिए, ओए होए होए प्यारा सा, अरे यहाँ पे तो और ज़्यादा ठंड है यार आरती। सो ये एरिया है बालाक्लावा, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी ली मेरिडियन, वेस्टिन और ओबेरॉय सारी होटलें आपके इसी एरिया में आपको मिलेंगी। तो ये देखें, यहाँ आइए और डिनर करिए, शाम गुजारिए कुछ हसीन पैक के साथ। वो जो आपको दिख रहा है, बाप रे इट्स वेरी लॉन्ग आरती यार, हमको तो वहाँ तक जाने में बहुत। ये देखिए ये पूरा एरिया इसी का ही है। तो ये अलग कैटेगरी ऑफ रूम्स हैं, और बाकी के कैटेगरी है वो रूम्स वहाँ पर हैं। और देखिए ये सनसेट का नज़ारे, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है आगे की तरफ, यहाँ पे पोर्ट लुइस कैपिटल सिटी ऑफ मॉरिशस, और यहाँ पे तो बोट्स भी दिख रही हैं। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आगे तक जाते हैं, क्योंकि आज हम लेट हो गए इसलिए हमारा थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया। 3 बजे का चेक इन था पर हमने 5:30 बजे चेक इन करा है, तो थोड़ा ट्रैफिक पे अटक गए थे। ये क्या एरिया है, तो ये एक रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा है इंटरकॉन्टिनेंटल। और यहाँ पे कैसे इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल पे कि ये थोड़ा थोड़ा ही बीच है, बाकी थोड़ा से रॉकी टाइप का है, पर अलग ही एक नज़ारा दिख रहा है। वो छोटी सी जो याट है इधर, क्या क्लासिक आ रहा है उसका, फोटो ले लेते हैं। और मैंने आरती को बोला था कि थोड़ा सा इंडियंस के लिए ये होटल ज़्यादा अच्छी है, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बीच वाला पोर्शन भी देखने को मिल जाएगा। देखिए ये रॉक्स के ऊपर से ऐसे जा सकते हैं, ये रहा देखिए पानी, तो ये भी बहुत अच्छा साफ है। ओहो हाँ, तो वो कैटेगरी ऑफ रूम्स अलग थे, और ये कैटेगरी एक और है, देखिए ये थोड़े से अलग कैटेगरी के रूम से हैं। तो व्यूअर्स अभी तो हम लोग है ना, जिस रात हो रही है तो ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं, अभी तो हमारा कल भी स्टे यहीं पर ही है, तो परसों हमारा चेकआउट है वापस एक और तीसरी होटल में, तो हम आपको इस होटल के बारे में और भी बताएंगे, तो आप बने रहिए अभी इस व्लॉग में। ये देखिए आप, ये हमारे होटल के नज़ारे देखिए। हाँ ये अच्छा, तो ये ब्रिज से इधर जिसको भी अपना प्राइवेट डिनर ऑर्गेनाइज करना है तो करवा सकता है। आइए आगे, अरे बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए यहाँ पे आरती किसी की शादी का कुछ तैयारी हुई है, देखो इंडियन मैरिज का ये हॉल है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ तो नाच गाना शुरू हो गया आरती माहौल। तो ये है वो लॉबी
मैं आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया था कि ये है जहाँ से हम लोगों ने चेक इन करा था, और नीचे ये रेस्टोरेंट है इनका सेंसो करके, जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट होगा सुबह, और हम चाहें तो यहाँ पे बफे भी अवेलेबल रहता है, तो आप बफे भी कर सकते हैं। और ये इनका बाहर सेक्शन देखिए, और ये है इनका सबसे बड़ा स्विमिंग पूल इंटरकॉन्टिनेंटल का, ये देखें क्या लग रहा है, और इस सनसेट के साथ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सनसेट। ये देखें, और भी आगे तक है भाई, अब नहीं जा सकते आरती, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगी। ये देखिए, नज़ारे देखिए, इधर और रूम्स हैं भाई, अलग ही माहौल है, तो कितना बड़ा है भाई। आरती हम कितना चल के आ रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। और ये है भाई अल्टीमेट, ये होता है मतलब है? कल हम शाम को जल्दी आएंगे, फिर इधर निकलेंगे, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी अभी भी निकल जाएंगी, पिक्स तो अच्छी आरती, कैमरा तो अरे वाह ब्यूटीफुल यार, इट्स हो नज़ारे देखिए व्यूअर्स, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार, ओए होए होए, ओ वाओ, अरे फिशेस भी हैं समुद्र में, फिशेस हैं तो क्या। ये प्रॉपर्टी देखिए बहुत बड़ी, इंटरकॉन्टिनेंटल तो भाई मानना पड़ता। ये आरती क्या मस्त लग रहा है ना, मजा आ गया भाई, ये प्रॉपर्टी मेरे को पसंद आई। लगे सोफीटेल को मैं 10 में से 7.5 दूंगा, और इसको अभी प्री में मैं आरती 10 में से 8.5 तो दे ही रहा हूँ, अब आगे पता नहीं। 7.5 सोफीटेल को मैं फूड के लिए कर रहा हूँ, बाकी 8 तक दे सकते हैं ना, 8 तो है, रूम और अच्छे थे, मजा आ गया। हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। सो इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले दिन सुबह मैं और आरती अभी उठ चुके हैं, यहाँ पे लोकल टाइम हो रहा है ना सुबह की 9 बजे, और हम जा रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट करने। आप ये देखिए, जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने रात का व्यू दिखाया था, तो दिन में ये नज़ारे कैसे होते हैं। ये वेस्ट साइड पर है, इसलिए यहाँ पर अभी है ना सन सेट होता हुआ अभी नहीं दिखेगा, वो तो सनसेट जब शाम होगी तब दिखता है यहाँ पर। और देखिए आप क्या खूबसूरत होटल है, बहुत ही शानदार, और रात को मुझे लगता है ज़्यादा सुंदर दिखता है ये होटल जब लाइटिंग सारी हो जाती है। तो हम लोग देखिए नीले समुद्र के सामने हम जा रहे हैं, यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल इस होटल के एक रेस्टोरेंट, वेदा रेस्टोरेंट नहीं, वेदा नहीं, सेंसो ना, हाँ सेंसो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट है, और हम शाम को जाएंगे। हमने प्री बुक कर रखा है वेदा रेस्टोरेंट, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट है। तो ये देखिए ये शानदार पूरा पाथ बना हुआ है, आराम से इस पाथ के ऊपर से चलते जाइए और पहुंच जाइए अपने डेस्टिनेशन। वो लहरें तो बहुत तेज है आरती, मेरे को मच्छी देखनी है यार वहाँ जाके ब्रिज पे, जो कल रात को गए थे अपन। और इधर हर एक कोने में आपको फोटोजेनिक व्यू मिलेगा, हाँ पूरा फोटोग्राफ ही करने के लिए, इंस्टाग्राम रील्स करने के लिए तो ये लोकेशन जबरदस्ती है। सनसेट के टाइम पे बहुत अच्छी फोटोज आएंगे। अच्छी बात मुझे वही लगती है कि धूप है बट ठंडा है हवा, ठंडी हवा होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। आप कितना भी चलो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पसीना आ रहा है बहुत, और बहुत उमस हो रही है, जैसे होती नहीं ह्यूमिडिटी कैसी होती है कोस्टल एरिया, बिल्कुल मस्त है ये सच में। मेरे जैसे को अगर पसीना नहीं आ रहा तो समझ लीजिए कि वेदर एकदम टॉप नॉच है। बस करने हम आ चुके हैं, यहाँ पर तो सब नॉनवेज डिशेस हैं,
यहाँ पे ऑमलेट है, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स हैं, और ये देखिए कितना बड़ा हॉल है ये। अभी हम लॉबी वर्ड्स वो फिर से लॉबी दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे अंदर ही स्टोर्स बने हुए हैं अगर आपको कुछ खरीदना हो तो। यहाँ देखिए बैठने के लिए, तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल की पूरी लॉबी रिसेप्शन वाली, आप देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रहा है। इधर से ये इस लॉबी से जो व्यू आता है वो तो बहुत ही अल्टीमेट ही आता है। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त बार सेक्शन है, आपको दिख रहा होगा। ये इसका इतना बड़ा पूरा एरिया है, एंड ये देखिए कितना ऊंचा इसका डोम है और क्या ज़बरदस्त लग रहा है, देखें आप। सो ये इनका सबसे बड़ा वो स्विमिंग पूल एरिया है, यहाँ नीचे की तरफ जाके आप ड्रिंक्स कर सकते हैं। और सामने देखिए आज पूरे ओशन का व्यू बहुत ही शानदार। पीछे देखिए आप क्या शानदार सनसेट हो रहा है। और ये है आरती, और हम लोग अभी हमारी एक बहुत ही शानदार जगह पर खड़े हैं। ये देखिए ब्रिज के यहाँ पर एक, और ये देखिए आप डूबता हुआ सूरज, क्या सुपर्ब सनसेट हो रहा था। हाँ अभी पूरा चला, ये देखिए आप क्या मस्त सनसेट, और ये लहरें देखिए आप कितनी है। और हम लोग खड़े हैं एक ब्रिज पे, ये देखिए, और सामने की तरफ है होटल हमारी पूरी, और ये है वो ब्रिज, ये देखिए। तो ऐसे ब्रिज से उधर भी जाके आप एंजॉय कर सकते हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं सनसेट को। और ये देखिए यहाँ पे शानदार, क्या मस्त हवा चल रही है आरती, जबरदस्त। तो ये हो गया है यहाँ पे सनसेट। गाइस सैटरडे है, पार्टी एकदम मस्त करी है मैंने और आरती ने, और हम जा रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल के इंडियन रेस्टोरों पे वेदा। तो इस रेस्टोरों में खासियत क्या है या दिक्कत क्या है कि इस रेस्टोरों में आपको प्री बुकिंग करानी पड़ती है, तो कल एक दिन पहले। तो कल जब हमने चेक इन करा था तो हमें बोल दिया गया था कि आपको एक दिन पहले बोलना पड़ेगा, तो हमने कल ही बोल दिया था कि हम 9 बजे आएंगे डिनर करने। कहा जाता है कि यहाँ का इंडियन क्यूजिन बहुत ही ज़बरदस्त है, और हम लोग वैसे भी बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ज़बरदस्त टेस्टी इंडियन खाना खाएं। सो लेट्स कम टू वेदा, दिस इज़ द वेदा इंडियन रेस्टोरेंट, और देखते हैं कि खाने में क्या है।